बहुत ज़्यादा और मेरी सारी जो लेडी लक्स हैं वो सारी साथ में आई हैं फिल्म देखने के लिए. अभी रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है, फिल्म को रिव्यूज़ बहुत ज़बरदस्त मिले हैं ऑलरेडी, जो रिव्यूज़ निकले हैं मेरे काम को बहुत सराह रहे हैं लोग. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, वेरी एक्साइटेड एंड वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी. थैंक यू सो मच. The best here, hamari Hindi film ka pehla superhero, we all inspired from it, so it's the best, the whole team the best actually, and I, because our company's done the visual effects, so I'm also responsible for it. So what do you have to say? Bahut achhi hai yaar, hona chahiye, ye to bahut hi world class hai ekdam, special effects bahut achhe hain. और वो टिपिकल हमारे में इंडियन में क्या होता है, इंडिया में हम लोग इमोशन कंटेंट ज़्यादा होता है, चले देयर वाज लॉट ऑफ इमोशन, ग्रेट इफेक्ट्स, ग्रेट फाइट्स, गुड परफॉर्मेंसेस, या इट्स डैम गुड. जो पिक्चर मैंने सोची थी बनाने के लिए, जो मेरी विजन थी वो मैंने पूरा किया, अपना सपना पूरा किया. आई फील वेरी विक्टोरियस इन दैट. अब कल पिक्चर रिलीज़ हो रही है, ऑडियंस के हाथ में है, वो क्या कहेंगे कल देखेंगे. स्ट्रेटजी नहीं थी, मैं यही चाहता था कि जो पिक्चर में है वो मैं बाहर नहीं दिखाऊँ. अच्छा, तो पीछे पिक्चर को छुपा के रखूँ और प्रोमोज में और ये सब में सिर्फ लोगों को बताऊं कि पिक्चर आ रही है, ये रिलीज़ होने वाली है पिक्चर. तो आके जब वो पिक्चर देखते हैं तो वो उनको पता नहीं है कि पिक्चर में और क्या क्या है, इसलिए. बहुत 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 मेहनत है और बहुत ही टेक्निकली एडवांस फिल्म है, और मेरे ख्याल से मेहनत रंग 100% लाएगी. देखिए, आपको पिक्चर अच्छी लगी है उससे बड़ी बात और कुछ नहीं. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. द रिएक्शन वी हैव गॉट हैव बीन अस्टाउंडिंग. सो फिंगर्स क्रॉस नाउ. आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो भी कहा है 16 ने सच कहा है, 100% ट्रू कहा है, क्योंकि आज पहली बार मैंने फिल्म देखी है. आप यकीन नहीं करेंगे, आज पहली बार मैंने थिएटर में देख के फिल्म देखी और मैं भूल गया कि मैं काल हूँ, क्योंकि मैं एक बच्चा बन के फिल्म इतना एंजॉय कर रहा था. मैं हंसा हूँ, रोया हूँ, इतना एंजॉय किया. और ही इज़ अ लेजेंड, इज़ अ मास्टर, और उन्होंने आज ये फिल्म के साथ दिखा दिया है कि वो हिंदुस्तान के स्टीवन स्पीलबर्ग.